सुबह सुबह उठते मोबाइल उठाए तो खजायका का मैसेज आया हुआ था। खजायका मतलब कि जो फ्लैट की ओनर है, वो कह रही है कि मैं आ रही हूँ, उसने बिल वगैरह लेने हैं, रेंट तो ले गई है। तो फिर हमें अफरा तफरी मच गई, अभी हम करने लगे हैं सफाई। भाई साहब यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर मार रहे हैं और यहाँ पे हो गया है, और मेरे को अभी किचन में थोड़ा बहुत करना है, ये जो बर्तन वगैरह पड़े हैं ये उठाने हैं, बाकी तो तकरीबन साफ ही है, जेंगो है। और हम तो वैसे भी सफाई हमारे फ्लैट में तकरीबन दो बंदे हैं तीन, तो सफाई हमारे काफ़ी होती है पहले ही, लेकिन ये हमारी छोटी मोटी चीज़ें जो बिस्तर वगैरह ये वो इकट्ठे वगैरह करने और बर्तनों को मतलब के उठाना, ये वो छोटी मोटी चीज़ें उठाने वाली काम बस यही होता है, बाकी तो साफ ही है फ्लैट हमारा। उबैद अभी दूसरे बाहर वाले रूम में वैक्यूम आ रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें वहाँ से मैं उठा दी हैं, तब तक मैं इस रूम की जो चीज़ें हैं उठाने वाली वो उठा लेता हूँ, फिर यहाँ पर वैक्यूम वहाँ से फ्री होता है तो यहाँ पर मारते हैं। तो भाई जल्दी से सफाई करते हैं, वो भी आने वाली है क्योंकि उसने कहा कि मैं 10-15 मिनट तक बस निकल रही हूँ। अब वैक्यूम मारते हैं। अब जल्दी से वैक्यूम मारते हैं और तरह टन करके उसके आने का फिर इंतजार करते हैं, तब तक उम्मीद आ जाएगी 5-7 मिनट नहीं वैक्यूम करने में लगेंगे, तब तक वह पहुंच जाएगी। किचन वगैरह बाहर का रूम वाला बाकी सब कुछ तकरीबन हो गया क्लियर, जो छोटा मोटा रहता है वह बैत बाहर कर रहे हैं, इस रूम की जिम्मेदारी मेरी है। चलते हैं जी फाइनल लुक की तरफ। इंटर होते हैं, सबसे पहले रहा मेरा बेड, मेरे वाला बेड रहा यहाँ पे, इधर आ गई अलमारी सामने, फिर इधर दो बेड, वो वाला रिपेयर होने वाला, वो हमारे किसी काम का नहीं, ना ही हमें उसकी ज़रूरत है। और ये रहा उबैद का बेड, हर चीज़ देखें बिल्कुल सफाई होके टन हो चुकी है। और यहाँ भी खैर है बैग वगैरह रखे हुए हमने, हमारे जो पाकिस्तान से लाए हैं बैग वो वाले खाली हैं अब तो, लेकिन इसलिए बड़ा मैं अलमारियाँ भी बिल्कुल सेट हर चीज़ कर दी। तो जी हम हैं रेडी, अब इंतज़ार है खजाइका के आने का, लेट्स सी। बाहर का मौसम भी आज कुछ ठीक है, धूप निकली हुई है, ठीक है टेम्परेचर। खजाइका जी भी होके चली गई है, 5-7 मिनट उसने लगाए बस हिसाब वगैरह किया, बिल वगैरह का कितने आए कितने थे, वो पैसे लिए और उसने चली गई। हमें ऐसे सुबह से ना हम खाने के लिए बैठे कि जाए कब बना के खाएं, सफाई की इतनी, अब खाना बनाते हैं, खाने पकाने के सालन वगैरह तो रात का कुछ पड़ा हुआ ही है, बाकी रोटी वगैरह बनानी है अभी। ये रही गाजरें, ये तो 3-4 दिनों के बनाए हुए, ये चिकन कौरमा ये रात का बनाया हुआ था, बाकी अभी इसको गर्म कर लेंगे। ये रहा आटा, अभी बनाते हैं जी रोटी, पहले नाश्ता करते हैं हम सुबह ले। आज हम काफ़ी दिनों बाद वैसे रोटी बनाने लगे हैं सुबह टाइम, रात को वैसे तकरीबन बना ही लेते हैं, ये बाहर से कुछ ही ले आते हैं, लेकिन सुबह का नाश्ते में मुझे काफ़ी देरी होगी बनाए हुए, आज फिर बना रहे हैं। छुट्टी थी आज इसलिए फ्री थे, घर भी बैठना था इसलिए चलो अच्छे वाला जरा नाश्ता कर लें, ठीक है ना। रोटी को सबसे पहले आपने बेलने से बेल लेना है, जितनी जहां तक बेल सको, फिर एंड पे दो थप्पड़ लगाने हैं उसको, ऐसे 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 थप्पड़ लगाने के बाद अपनी तरफ से तो वैसे हम बनाते हैं पराठा, लेकिन वो पराठा बनता नहीं है, पता नहीं क्या बन जाता है, रहती वो सूखी रोटी की तरह की है, ऑयल वगैरह लगा देते हैं हम ऐसे। ये ऐसा वाइट वाइट ही रहना है पराठा, अपनी तरफ से तो हमने बनाया, ऑयल भी इतना लगा लिया, इसका यही कलर रहना है, इसने ऐसे ही रहना है और यही हमने खा लेना है, कच्चा सा ऑयल लगा के ऊपर बस।
ये रहा जी नाश्ता हमारा, और पराठे ये इस तरह के होते हैं हमारे, तो हम तो इस तरह के पराठे खाते हैं, क्योंकि ये रात का बचा हुआ सालन ये खाते हैं साथ। ग्रेवी हमने काफ़ी ज़्यादा बना ली थी, क्योंकि शोरबे वाला कभी खाने को दिल नहीं करता, इसलिए दही वगैरह डाल के टमाटर ज़्यादा ग्रेवी बना ली थी ताकि खाया जा सके, दो दिन गुजर जाए, क्योंकि हम हांडी बना के एक दो दिन खाते हैं, दो दिन तीन दिन, या फिर बाहर से ऐसी बस कोई चीज़ ले आई सालन पड़ा हुआ तो उसके साथ खा ली। सफाई करने लगे हुए थे तो मैंने कहा छुट्टी भी आज तो आज फिर सफाई करनी है तो फिर अच्छे से कर ही लेते हैं। कपड़े वगैरह भी धोने वाले काफ़ी हुए पड़े थे, कपड़े भी साथ धो लेते हैं और बाकी सारी सफाई भी हो जाएगी। ये पैंट हैं ये भी जाएंगे इसमें, फिर रही शर्ट हैं, जुराबे हैं, इतने सारे कपड़े हो गए धोने वाले। अभी अंदर यहाँ कुछ पड़े भी हैं बाकी, जो भी उनको अगले चक्कर में ले जाते हैं दोबारा, पहले इनको ले जाएं, इनको डालें मशीन में। ये रही जी वॉशिंग मशीन, ये दूसरी है, ये नहीं पाकिस्तानी वाली, वो नहीं है लंबी सी। सबसे पहले शर्टें, मेरा ख्याल है काफ़ी हैं, इतनी भर गई। इसको करते हैं बंद, बंद करने के बाद यहाँ पर डालेंगे इसमें सर्फ और थोड़ा सा, शर्टें काफ़ी हैं गंदी भी हैं इसलिए ये हो गया। एक घंटा नहीं 60 मिनट मैंने, बहुत ज़्यादा है, 30 मिनट पे लगाऊंगा इसको। फिर उसके बाद टेम्परेचर सेट करना आपने जहाँ पे भी करना है, 40 तकरीबन नॉर्मल ठीक रहेगा मेरे ख्याल में, अगर करूँगा तो गर्म पानी उस हिसाब से डाल देगी शर्टें ख़राब ना हो जाए ज़्यादा। फिर आप किस स्पीड से इसे घुमाना चाह रहे हैं, कितने चक्कर पे, ये अभी जो फ़िलहाल है 800 पर है, लेकर मैं इसे करूँगा 1200 पे ताकि अच्छी तरह मैल निकाले इसके। जैसे ही 800 चक्कर पे के मतलब कि टाइम ज़्यादा लगेगा, उसका टाइम भी बढ़ गया। अब इसको आगे ठीक हो गया जी, लेट्स गो। लॉक होने लगी, देखना लॉक होने की आवाज़ आ गई, अब लॉक हो गई, अब ये खुलनी नहीं है, जब धुल जाएंगे खुद ब खुद इसने ऑटोमेटिकली 41 मिनट बाद खुल जाना है। कपड़े धो के सुखा के निचोड़ के अच्छी तरह निकाल देना इसने, कपड़े धुल गए थे जी, अब इनको बस सूखने डालना है। सूखने भी बस एक फॉर्मेलिटी सी है, बाकी पानी तो ज़्यादातर मशीन ने खुद ही निचोड़ दिया उनका जो था, अब बस थोड़े से गीले से हैं जो कि फील भी नहीं होता कहीं पर लगाने के पानी है, तो खुद ही घंटे डेढ़ घंटे तक वो खुद ही उठ जाना है, वेपोरेट हो जाएगा। बाकी इनकी इस्त्री बेशक अभी आप ऐसी इस्त्री कर लो तो फिर भी पहनने वाली हो जाती है। आज सारा दिन जी गुजर गया ऐसे बिजी ही, अब तकरीबन बाहर भी अंधेरा हो ही चुका है, तकरीबन मगरब से ऊपर टाइम हो गया है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो कपड़े भी धुल गए हैं, सफाई भी होगी फ्लैट की। वैसे हमें यूनिवर्सिटी से आज छुट्टी थी, चलो ये भी अच्छा हो गया कि काम सारे ख़त्म हो गए, कपड़े भी धुल गए, अब हफ्ता दो हफ्ते गुजर जाएंगे इन्हीं कपड़ों से। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।